भी आई है, विनोद से समझते हैं। विनोद, क्योंकि अभी हाल ही में जो SVB क्राइसिस के चलते बहुत सारे स्टार्टअप्स का नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि उनका कोई एक्सपोजर नहीं है SVB में, लेकिन नाम बिल्कुल क्रॉप हुआ, इसलिए मुझे रिपोर्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी आपसे डिस्कस करना। हालांकि सिटी ने कुछ फंडामेंटल्स दूसरे साइड किए हैं, उन्हें ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सस्टेन करती हुई लगती है और बाय रिकमेंडेशन करते हैं, देते हैं वो इसे। आप रिकमेंड करेंगे? 1000 से ऊपर के लेवल्स हैं उनके पेटीएम पे। जी डेफिनेटली पेटीएम में हमारा कुछ कोई व्यू इन हाउस कोई व्यू एचएस नहीं है, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट कमेंट्री को समझूं जो लास्ट 2 महीने में आए हैं और जो जिस हिसाब से उनका दिसंबर क्वार्टर अर्निंग्स रहा है वो काफी इंकरेजिंग था। जो वो एबिटा ब्रेक इवन की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो काफी पॉसिबल है आने वाले क्वार्टर में, और इस हिसाब से देखें तो कंसिस्टेंटली वो चाहे उनके जो 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 न्यू कंज्यूमर जो बिजनेस है उसमें भी काफी अच्छा बेहतर ग्रोथ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें हमें ज्यादा कुछ वैल्यूएशन ये सब में हम लोग ज्यादा कुछ आइडिया हमें नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैनेजमेंट को कमेंट्री को समझी और जो अर्निंग्स जो निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि वो मोर ऑर लेस सॉर्ट ऑफ इन लाइन है, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में मे भी आप थोड़ी और बेहतरी देख सकते हो। अगर ये परफॉर्मेंस जो दिसंबर क्वार्टर का था वो